नमस्कार दोस्तों, 11,000 रेलवे पुलिस में होगी भर्ती इस साल। 11,000 रेलवे पुलिस कर्मियों की होगी भर्ती। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर पीयूष गोयल जो कि रेल मंत्री है, उसने ये घोषणा कर दी गई है कि आने वाले बजट 2020 में 11,000 पुलिस कांस्टेबलों की भर्ती की घोषणा की जाएगी। विभाग को आदेश जारी कर दिए गए हैं, जिस मंडल में कितनी भी वैकेंसी खाली है उनका विवरण जल्दी वो यहाँ पर रेलवे पुलिस मुख्यालय बोर्ड के पास भेजेगा। दोस्तों यहाँ पर रेलवे की तरफ से 11,000 पदों पर भर्ती यहाँ पर कराई जाएगी, और जो भर्ती कराई जाएगी दोस्तों, ये आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी और बहुत बड़ी राहत है जो रेलवे यहाँ पुलिस का इंतज़ार कर रहे हैं उन अभ्यर्थियों के लिए। दोस्तों रेलवे जुलाई 2019 में कंप्लीट कराने के आदेश जारी हो चुके हैं, और यहाँ पर जो आपका नोटिफिकेशन है वो यहाँ पर नोटिफिकेशन है आपका जनवरी और फरवरी में यहाँ पर बजट सेशन चालू होने वाला है। उसी बजट सेशन में जो पिछली बार एनटीपीसी और ग्रुप डी के ऑनलाइन आवेदन शुरू हुए थे, उसी टाइम यहाँ पर आरपीएफ रेलवे के 11,000 पदों पर ऑनलाइन आवेदन मांगे जाएंगे यहाँ पर। अब जो वैकेंसियों में दोस्तों एक बात और मैं बता दूँ, इन वैकेंसियों में 50% वैकेंसी महिलाओं के लिए रखी गई है। बाकी जो 50% वैकेंसी है दोस्तों यहाँ पर जो पुरुषों के लिए रखी गई है, लेकिन जो वैकेंसी रखी गई है ये 11,000 पुलिस वैकेंसी है, ये केवल और केवल पुरुषों के लिए अवेलेबल है। क्योंकि यहाँ पर पिछली बार 4,000 पदों पर भर्ती केवल महिलाओं के लिए की गई थी, उनको ज्वाइनिंग मिल चुकी है। दोस्तों ज्वाइनिंग मिलने के बाद अभी भी यहां पर रेलवे के अधिकारियों का कहना है कि रेलवे पुलिस में अभी भी लगभग 11,000 पदों पर पद खाली बताए जा रहे हैं, जिससे कि यहां पर रेलवे को आए दिन बहुत अधिक नुकसान झेलना पड़ता है दोस्तों यहाँ पर। तो सबसे पहले अपडेट हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी न्यूज़ द्वारा दी गई है कि 11,000 रेलवे पुलिस कर्मियों की भर्ती होगी। नोटिफिकेशन आपका जल्दी वेबसाइट पर डाउनलोड किया जाएगा, और ये भर्ती का जो प्रोसेस है बहुत जल्दी होने वाला है दोस्तों यहाँ पर, जो कि भर्ती कराने का जो जिम्मा है बिल्कुल यहाँ पर कम्प्लीटली जुलाई में कंप्लीट कराने का आदेश दे दिया गया है यहाँ पर रेल मंत्री पीयूष गोयल द्वारा। दोस्तों आप लोगों के लिए बहुत बड़ी सूचना, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। नई अपडेट पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करते रहिए। किसी भी भर्ती से जाने के लिए सबसे बड़ी अपडेट पाने के लिए तुरंत हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको नोटिफिकेशन मिलेगा दोस्तों।